हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के टॉपिक पर ही चलेंगे और हमारा जो वर्तमान का टॉपिक चल रहा है वो है क्वेश्चंस। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में किए थे येस नो टाइप क्वेश्चंस और हमने देखा था कितने ईजी थे, और आज हम लोग करेंगे WH क्वेश्चंस। आप सबका स्वागत है और मैं निवेदन करना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले कि जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। लेट अस बिगिन विद द वीडियो नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव्स WH क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WH क्वेश्चंस? WH मीन्स वे प्रश्नवाचक शब्द, वर्ड्स, वो वर्ड्स प्रश्नवाचक जो या तो W से शुरू होंगे या एच से शुरू होंगे। तो WH क्वेश्चंस से, शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और कैसे उनके हम लोग आंसर लिखेंगे। हमेशा की तरह रिकैप करते हैं, हमने जो इससे पहले के वीडियो में किया था येस नो टाइप क्वेश्चंस, और वो था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। उनकी संरचना थी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब एंड अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द क्वेश्चंस। अब इसी रिकैप के सहारे हम आज के जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, और अक्सर लोग उसको बहुत भारी भरकम समझते हैं कि क्या कितने सारे WH वर्ड्स हैं, कैसे बने क्वेश्चंस, तो आप ये देखिए वो कितना ईजी है। अगर हम सरल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलेंगे तो हमारे टॉपिक्स बहुत ही ईजी होते जाएंगे। बस बात ये है कि हर समय के, हर लेवल के टॉपिक को हमें समझना होगा। WH क्वेश्चन सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? अब हमने तुलना कर ली है दोनों में, ये दोनों प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना है, एक है येस नो टाइप और एक है WH के। तो ये है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ING फॉर्म एंसो एंसो। इसमें अगर हम नीचे वाले वाक्य की संरचना से तुलना करें तो अगर ये WH वर्ड के ऊपर मैं हाथ रख देती हूँ, मान लीजिए हम इसको हटा दें, तो आप लोग सब देखेंगे कि दोनों संरचना बिल्कुल सेम है। तो वही रूल फॉलो करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और WH क्वेश्चंस में WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। तो कुछ WH वर्ड्स मैंने बच्चों के लिए रखे हैं, आदरणीय टीचर्स के लिए भी रखे हैं, व्यूअर्स के लिए भी, कि इससे आप थोड़ा सा हिंट ले लेंगे कि कैसे हम WH वर्ड से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। बीच की बात जो क्वेश्चंस की है वो बार बार मैं दोहराती हूँ कि क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये नीचे के WH वर्ड के वर्ड्स हैं जिनसे हम थोड़ा सा परिचित होंगे अभी। WHAT व्हाट, व्हाट का मतलब क्या। WHO हु मतलब कौन। WHERE वेयर, वेयर मतलब कहाँ। WHEN व्हेन, व्हेन यानी कि कब। WHY व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों। हाउ, अगर ये हाउ अकेला है, थोड़ा ध्यान देने की बात है, अगर हाउ शब्द अकेला है तो इसका अर्थ होगा कैसे, किस तरह से। लेकिन अगर हाउ के साथ मच लगा हो या मैनी, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, अगर हाउ मच हो तो वो कितना पूछ रहा है जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे दूध शक्कर, उसको एक दो तीन चार नहीं कर सकते, उसको किलो में लीटर में माप सकते हैं। और अगर मैनी लिखा होगा तो कितने यानी कि संख्या, 10, 20, 15 कितने। तो यहाँ पे ये देखिए, या तो ये संख्या बताएगा या ये माप बताएगा। माप इसके हाउ, हाउ मच होगा, और संख्या कब होगी, जब हाउ मैनी होगा, और अगर हाउ अकेला होगा तो इसका मतलब होगा कैसे। एक वाक्य में ऐसे कौन से शब्द होंगे जो कि इन प्रश्नों का जवाब देंगे, जो कि ये तय करेंगे कि ये प्रश्न कौन से WH वर्ड से शुरू होगा। तो अगर क्या से शुरू होने वाले शब्द प्रश्न है तो उसका आंसर होगा कोई वस्तु। कौन के प्रश्नों का आंसर होगा कोई नाम। अगर प्रश्न है कौन पुस्तक पढ़ रहा था, कौन पुस्तक पढ़ रहा था, तो किसी व्यक्ति का नाम ही होगा।
चाहे वो राधा कह लीजिए, चाहे गीता कह लीजिए, कोई भी बच्चे बच्चे का नाम बोल सकते हैं। वेयर, वेयर का अगर प्रश्न होगा तो उसका उत्तर एक स्थान का नाम ही होगा। वेन, कब, वो एक समय सूचक शब्द का ही नाम होगा। वाई, क्यों, कोई कारण, ऐसे शब्द समूह जो कारण बताए वो ही इसका जवाब होंगे। तो यहाँ पे कैसे, कोई तरीका होगा तो वो कैसे का जवाब देगा, कोई मात्रा होगी तो वो कितना का जवाब देंगे, कोई संख्या होगी तो वो मैनी का जवाब देंगे, हाउ मैनी। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसी को अप्लाई करते हैं। हिंदी का वाक्य मैंने लिया है, राधा उपन्यास पढ़ रही है। राधा उपन्यास पढ़ रही है, राधा इज़ रीडिंग ए बुक। अगर हम पहले वर्ड ले लें, सब्जेक्ट राधा, और नीचे वाला वाक्य क्या है, चिल्ड्रन आर गोइंग टू द पार्क टू प्ले, बच्चे पार्क में खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, यहाँ चिल्ड्रन कह लीजिए। तो बच्चे और चिल्ड्रन, ये कोई व्यक्ति का नाम कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन बता रहा है, तो ये किसका आंसर है, ये कौन शब्द का। हम पूछ सकते हैं कौन उपन्यास पढ़ रहा है, तो उत्तर होगा राधा उपन्यास पढ़ रही है। तो राधा की जगह क्या लगा देंगे, हु, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, इज सहायक क्रिया आ गई, रीडिंग ए नॉवल, हु इज रीडिंग ए नॉवल और क्वेश्चन मार्क। बस एक हु वाले प्रश्न ही ऐसे हैं जो सब्जेक्ट वाचक, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो इससे पहले आता है, ये एक अपवाद है। बाकी किसी में भी सब्जेक्ट वाचक जो प्रश्नवाचक शब्द है वो किसी सहायक क्रिया से पहले नहीं आता है। जैसे चिल्ड्रन है तो ये भी क्वेश्चन हु से शुरू हो जाएगा। अब आगे अगर हम इसको देखें तो ये कौन कौन से प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो अगर हम व्हाट ले, व्हाट ले, तो राधा क्या पढ़ रही है, राधा क्या पढ़ रही है, तो ये व्हाट का जवाब आ जाएगा। राधा क्या पढ़ रही है, राधा उपन्यास पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये प्रश्न जो किसी वस्तु का नाम, वो प्रश्न जिसके उत्तर में किसी वस्तु का नाम हो वो व्हाट से शुरू होगा। तो हम कहेंगे व्हाट, व्हाट के बाद क्या आएगा। अब एक बात यहाँ पे ट्रिक छोटी सी सरल सी हमें ध्यान में रखनी है, वो ये कि प्रश्न जिस चीज़ को पूछने के लिए प्रश्न बन रहा है उस चीज़ का नाम का जिक्र प्रश्न में नहीं होगा। इसका मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है व्हाट इज़ राधा, राधा क्या पढ़ रही है, तो जाहिर है कि प्रश्न में नॉवल का जिक्र नहीं होगा, नॉवल का जिक्र सिर्फ और सिर्फ उत्तर में होगा। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, व्हाट सहायक क्रिया इज़ राधा रीडिंग। अब ये जो एक नॉवल है, एक नॉवल, राधा रीडिंग ए नॉवल, ये नॉवल शब्द हट जाएगा क्योंकि नॉवल तो इसका जवाब है। व्हाट इज राधा रीडिंग, इसका जवाब क्या होगा, राधा इज रीडिंग ए नॉवल। और इसमें क्या प्रश्न बन सकता है, देखिए ज़रा, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि राधा क्या कर रही है, राधा एक नॉवल पढ़ रही है, ये भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि राधा क्या कर रही है। तो हम क्या बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन व्हाट से ही होगा, व्हाट इज, अब कर रही कि अंग्रेजी क्या है, डूइंग, कर रही की अंग्रेजी क्या है, डूइंग। तो व्हाट इज राधा, सहायक क्रिया तो वही कर्ता से पहले आएगी, राधा डूइंग। अब बच्चों के जो अनसीन पैसेज आते हैं उसमें बच्चे डूइंग वर्ड का जब आंसर ढूंढते हैं तो वो डूइंग शब्द को ढूंढते रहते हैं पैराग्राफ में। तो बस बच्चों को यही देखना है कि डूइंग का मतलब होता है क्या वो कर रहे हैं या कर रही है या करने की बात, वो कौन सी क्रिया कर रहे हैं। तो डूइंग शब्द को हटा दीजिए और वो काम लिख दीजिए जो वो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, आंसर में सकारात्मक वाक्य बनेगा, तो राधा इज़ यहाँ के बजाय पीछे राधा के बाद आएगा, राधा इज़। तो डूइंग की जगह आप क्या लिखेंगे, जो काम राधा कर रही है बस वो लिख दीजिए, राधा इज रीडिंग ए नॉवल। इसी तरह ये देखते हैं बच्चों में, एक और हम ढूंढते हैं कि क्या वेयर से प्रश्न बन सकता है।
इस वाक्य में वेयर से प्रश्न बन सकता है। कैसे? कि कौन सा शब्द है जो कोई स्थान की ओर इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे पार्क एक ऐसा शब्द है जो स्थान की ओर इंगित कर रहा है, द पार्क, है ना, टू द पार्क। तो प्रश्न क्या बन सकता है? तो प्रश्न हम बनाएंगे किससे, क्योंकि हम स्थान के बारे में पूछेंगे तो हमारा प्रश्न हु ना होकर क्या होगा, वेयर। वेयर, वेयर के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। वेयर आर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम देखें कि वो पार्क में जा रहे हैं खेलने के लिए, तो हम पूछेंगे जो शब्द पार्क को बताए, जो शब्द स्थान को बताए, जो शब्द वेयर का जवाब बताए, उनको हटा दीजिए। तो ये होगा वेयर आर चिल्ड्रन गोइंग टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए कहाँ जा रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क। तो आंसर होगा चिल्ड्रन आर गोइंग टू प्ले टू द पार्क, या हाँ दे आर गोइंग टू प्ले टू द पार्क, पार्क में जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बच्चे पार्क में क्यों जा रहे हैं, बच्चे पार्क में क्यों जा रहे हैं। तो इसको हम वाई से, कि बच्चे पार्क में क्यों जा रहे हैं, भाई बच्चे पार्क में खेलने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले। अब एक नई बात यहाँ पे जो आई, टू प्ले का अर्थ हुआ खेलने के लिए, खेल। टू प्ले का अर्थ क्या हुआ, खेलने के लिए। टू ईट खाने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए। ये टू प्ले टू स्लीप, इसके और भी कई अर्थ हैं जो हाई लेवल पे जाके हम लोग समझेंगे, अभी समझे तो हम लोग कन्फ्यूज़ होंगे। तो अगर हम वाई का मतलब ढूंढेंगे तो ये होगा वाई लिख देंगे सामने, फिर वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, कर्ता आ जाएगा चिल्ड्रन, वाई आर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे टू प्ले तो बता ही रहे कि चिल्ड्रन खेलने जा रहे हैं, तो हम अपने प्रश्न में टू प्ले को नहीं लाएंगे, वाई आर चिल्ड्रन गोइंग टू द पार्क, क्वेश्चन मार्क। वाई आर चिल्ड्रन गोइंग टू, वेयर आर चिल्ड्रन गोइंग टू प्ले, बच्चे खेलने कहाँ जा रहे हैं, तो बच्चे चिल्ड्रन आर गोइंग टू पार्क टू प्ले, बच्चे पार्क में खेलने जा रहे हैं। बच्चे, वाई आर चिल्ड्रन गोइंग टू पार्क, बच्चे पार्क में क्यों जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू द पार्क, आगे आ जाएगा टू प्ले। तो जो प्रश्न है बस यही ढूंढना है। अब इन सब प्रश्न को करते हुए हमें एक बात और समझ आई कि अनसीन पैसेज में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें कैसे आंसर ढूंढना है। आंसर कैसे ढूंढना है, प्रश्नवाचक शब्द देख लीजिए क्या है, वो प्रश्नवाचक शब्दों की सूचना कौन से शब्द दे रहे हैं, बस उसको हमने एक सकारात्मक वाक्य बना के आंसर दे देना। उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़ा सा टिपिकल जो टॉपिक है ये मैं समझा पाई होंगी, और एक विश्वास करती हूँ कि बच्चे बहुत प्रैक्टिस करेंगे, टीचर्स भी इसको और इलैबोरेट करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।